सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड वर्ल ऑफ अ फ्लावर एंड थर्ड वर्ल जो दैट इज एसेंशियल वर्ल जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम. तो आज हमने पहले एंड्रोशियम के बारे में डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द गाइनोशियम. तो एंड्रोशियम क्या हो गई, थर्ड वर्ल हो गई फ्लावर की और फर्स्ट एसेंशियल वर्ल हो गई. फर्स्ट एसेंशियल वर्ल हो गई बट फ्लावर की थर्ड वर्ल है ये. एंड इट रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो इंडिविजुअल मेंबर है एंड्रोशियम का जो इंडिविजुअल मेंबर है, एक मेंबर जो है उसको हम बोलते हैं स्टेमन. तो हर एक जो स्टेमन है इसके दो पार्ट्स होते हैं बच्चे. वन इज फिलामेंट एंड अदर पार्ट है जो उसको हम बोलते हैं एंथर लोब्स. तो लाइक दिस, ये एंथर लोब्स और ये फिलामेंट और ये थैलेमस. तो दिस इज थैलेमस, दिस इज फिलामेंट एंड दीज आर एंथर लोब्स. ठीक है बच्चे. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एंथर है उसके पास दो एंथर लोब्स होते हैं. स्टेमन विद टू एंथर लोब्स, विद टू एंथर लोब्स, उसको हम बोलते हैं बाइलोब्ड. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बाइलोब्ड कंडीशन ही प्रेजेंट होती है स्टेमन, बट एक्सेप्शंस तो होती है. बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन. तो स्टेमन विद वन एंथर लोब भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिलोब्ड. हालांकि इसकी एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है बच्चे, फिर भी मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल फैमिली मालवेसी, मालवेसी में यूनिलोब स्टेमन होते हैं, एक ही लोब उनकी होती है. अब जो ये जो एंथर लोब है ना बेटे, अगर हम इनका सेक्शन काटे तो हरेक जो एंथर लोब है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होगी बेटे. ये एक एंथर लोब हो गई, ये दूसरी एंथर लोब हो गई और इनके अंदर प्रेजेंट है माइक्रो स्पोरेंजिया या पॉलन सैक्स. इनको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया या हम बोलते हैं पॉलन सैक्स. इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और ये जो पॉलन ग्रेन्स है इनसे पॉलिनेशन होते हैं. तो जब एंथर लोब्स है जो ये ब्रेक करती हैं, डिहाइस करती हैं, ब्रेकिंग को बोलते हैं डिहाइसेंस. तो जैसे ये एंथर लोब्स हमने बनाई तो ये एंथर लोब्स हो गए ना बेटे. मोस्ट ऑफ द केसेस में इन एंथर लोब्स पे ऐसे एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन रहती है, ये इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस. तो ये डिहाइस हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देते हैं. अब जो एक एंथर लोब है, ये एंथर लोब है ना बेटे, मैंने बोला कि दिस इज वन एंथर लोब. तो जो एक एंथर लोब है उसके अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए. तो एंथर लोब विद टू पॉलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया विद टू पॉलन सैक्स और टू माइक्रोस्पोरेंजिया, तो इसको हम बोलते हैं बाइथिकस या डाइथिकस या बाइथिकस, कुछ भी बोल दो, बाइथिकस और डाइथिकस. तो ओवरऑल एक एंथर लोब को हम डाइथिकस बोलेंगे और अगर जो है पूरा एंथर विद टू एंथर लोब्स, होल एंथर विद टू एंथर लोब्स, उसके पास कितने स्पोरेंजिया हो गए, चार माइक्रो स्पोरेंजिया हो गए. तो उसको हम बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, दैट इज नोन एज टेट्रा स्पोरेंजिएट. ठीक है. अब बच्चे जो दैट इज पॉलन ग्रेन्स बने तो फर्टाइल एंथर हो गया, बट एंथर है जो इट मे बी स्टराइल आल्सो. स्टराइल एंथर है जो, इसको हम बोलते हैं स्टेमिनोड. मतलब ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो दैट इज नोन एज स्टेमिनोड. वन मार्क क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्टेमिनोड, तो स्टराइल एंथर इज नोन एज स्टेमिनोड. फॉर एग्जाम्पल फैमिली लेबिएटी, फैमिली लेबिएटी में एक स्टेमन है जो वो स्टेमिनोड होता है, बाकी फर्टाइल स्टेमन होते हैं. तो लेबिएटी इज साल्विया, तो साल्विया एंड ऑसिमम ये लेबिएटी फैमिली के मेंबर्स हैं. अब जैसे हमने पिछले केसेस में किया था कि ये जो है दे मे बी फ्री दे मे बी फ्यूज, तो सिमिलरली जो एंथर्स हैं दे मे बी फ्री
और दे मे बी फ्यूज्ड। अगर बच्चे वो फ्री हैं तो हम बोलेंगे पॉलीएंड्रस, अगर वो फ्री हैं तो हम बोलेंगे पॉलीएंड्रस, अगर वो फ्यूज्ड है तो हम बोलेंगे सिनएंड्रस। ठीक है, तो जो है दैट इज स्टेमन्स मे बी फ्री दे मे बी फ्यूज्ड। तो अब जो फ्यूज्ड वाली कंडीशन है सिनएंड्रस वो हम आगे जाके करते हैं, पहले आ गया पॉलीएंड्रस दैट इज स्टेमन्स आर फ्री। अगर बच्चे स्टेमन्स फ्री हैं तो दे मे बी ऑफ इक्वल लेंथ, सबकी जितने भी स्टेमन्स है चार है पांच है आठ है दस है सबकी लेंथ क्या हो सेम हो तो इक्वल लेंथ हो गई, और दे मे बी ऑफ अनइक्वल लेंथ। ठीक है, अगर वो अनइक्वल लेंथ के हैं तो आगे दो कंडीशंस हैं, दैट इज टेट्राडायनमस। अनइक्वल लेंथ मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है, उसमें से कितने बड़े कितने छोटे हैं उसके बेस पे हमने दो कंडीशंस बना दी, टेट्राडायनमस एंड डायडायनमस। तो टेट्रा, टेट्रा मतलब फोर, डाई मतलब टू, मतलब टोटल छह स्टेमन्स हैं, चार बड़े हैं, फोर स्टेमन्स आर लॉन्ग एंड टू स्टेमन्स दे आर शॉर्ट, तो हम उसको बोलेंगे टेट्राडायनमस कंडीशन। टेट्राडायनमस कंडीशन है जो ये कैरेक्टरिस्टिक है फैमिली ब्रासिकेसी का, फैमिली ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी फैमिली है जो सरसों जिसमें ब्रासिका होता है मस्टर्ड होता है उसकी फैमिली है टेट्राडायनमस। तो इसमें हमने पहले किया था कि इसमें दैट इज जो करोला होता है क्रूसीफॉर्म करोला होता है और जो इसका एंड्रोशियम है वो फ्री है, चार स्टेमन्स होंगे सॉरी टोटल सिक्स स्टेमन्स होंगे और सिक्स में चार लॉन्ग है एंड टू शॉर्ट है। डाई डायनमस दैट इज डाई मतलब टू, तो टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट स्टेमन्स, टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट स्टेमन्स है जो ये कैरेक्टरिस्टिक है फैमिली लेबियटी के। लेबियटी फैमिली में कौन से मेंबर्स, साल्विया ऑसिमम। ठीक, अब अगर ये जो है दैट इज स्टेमन्स है जो वो अगर है फ्यूज्ड, इफ द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड तो बच्चे मे बी फ्यूज्ड कंडीशन है जो वो नॉन एसेंशियल पॉल्स के साथ फ्यूज्ड हो या फिर वो अपने ही पार्ट्स के साथ फ्यूज हो जाए। तो अगर वो नॉन एसेंशियल वर्ड्स के साथ फ्यूज्ड है दैट इज दे आर फ्यूज्ड विद द अदर मेंबर्स, फ्यूज्ड विद अदर मेंबर्स ऑफ द फ्लावर, अदर मेंबर्स ऑफ अ फ्लावर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एडहेशन, दैट इज एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस करते हो ना बच्चे आप, एडहेसिव क्या होता है, दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो अगर वो किसी और वर्ड्स के साथ जैसे सेपल्स के साथ फ्यूज हो जाए, पैटल्स के साथ फ्यूज हो जाए तो हम बोलेंगे एडहेशन। अगर वो फ्यूज है विथ देयर ओन मेंबर्स, ओन मेंबर्स दैट इज एंथरलोब्स के साथ फ्यूज हो गए, फिलामेंट्स के साथ फ्यूज हो गए तो हम बोलते हैं कोहेशन, कोहेसिव फोर्सेस, है ना, तो वहां से याद कर लो। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, दैट इज एडहेशन, दैट इज एडहेशन क्या हो गया, जो स्टेमन्स है दे आर फ्यूज्ड विद सेपल्स और विद पेटल्स, नॉन एसेंशियल वर्ड्स। तो स्टेमन्स है जो दे आर फ्यूज्ड, स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद नॉन मेंबर्स ऑफ नॉन एसेंशियल वर्ड्स, नॉन एसेंशियल वर्ड्स। जैसे फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास, इफ दे आर स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद पेटल्स, अगर वो पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है तो कंडीशन होती है एपीपेटलस, कंडीशन क्या होती है एपीपेटलस, इंपॉर्टेंट है बेटा ये एपीपेटलस। फॉर एग्जांपल है फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी के मेंबर्स कौन से हो गए, पिटूनिया हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, टोबैको हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सारे सोलेनेसी के, सोलेनम नाइग्रम हो गया, ये सारे सोलेनेसी के मेंबर्स हैं। एंड इफ दे आर फ्यूज्ड विद पेरियंथ, पेरियंथ के साथ फ्यूज्ड है या वो फ्यूज्ड है विद टेपल्स,
तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिफिलस. दैट कंडीशन इज नोन एज एपिफिलस कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल लिलिएसी फैमिली, हमने लिलिएसी फैमिली भी करनी है. तो लिलिएसी फैमिली का मेंबर हो गया लिली हो गया, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, देन ये सारे मेंबर्स हो गए लिलिएसी के. लिली हो गया, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, देन और कौन से आएंगे लिलिएसी के मेंबर्स, हाँ कॉल्ची, कॉल्ची कम हो जाएगा, वो हम आगे जाके करते हैं. तो एपी फिलस एंड एपी पैटलस कंडीशन हो गया. बट दे मे आल्सो गेट फ्यूज विद द सेपल, सो हम एपी सेपलस कंडीशन भी बोल देते हैं. देन आ गया दैट इज अगली कंडीशन हमने डिस्कस करनी है, कौन सी, दैट इज कोहेशन. दैट इज मेंबर्स आर फ्यूज विद देयर स्टेमन्स आर फ्यूज विद देयर ओन मेंबर्स फ्यूज्ड विद देयर ओन मेंबर्स. जैसे अगर जो फिलामेंट्स है दे आर फ्यूज्ड, कि सपोज उसके पास 15 स्टेमन्स है, 15 के 15 फिलामेंट्स फ्यूज हो गए, बट एंथरलोब्स है जो वो फ्री है. तो ओनली एंथोलोब्स आर फ्री एंड फिलामेंट्स ऑफ ऑल द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडल्फस. दिस कंडीशन इज नोन एज एडल्फस कंडीशन. तो जो एडल्फस कंडीशन है, अब जितने सपोज 15 स्टेमन्स है, 15 के 15 स्टेमन्स है जो, वो उनके सारे फिलामेंट जुट के एक ग्रुप बना रहे हैं, दो ग्रुप बना रहे हैं, या दो से ज्यादा ग्रुप बना रहे हैं, तो इसलिए एडल्फस कंडीशन है जो वो डिफरेंट टाइप्स की हो जाएगी. तो एडल्फस कंडीशन में भी मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस एंड इट मे बी पॉली एडल्फस. पॉली एडल्फस, तो मोनो एडल्फस, मोनो मतलब वन, एडल्फस मतलब कि जो कंडीशन है कि फिलामेंट्स फ्यूज हुए. तो अगर ऑल द फिलामेंट्स, ऑल द फिलामेंट्स ऑफ अ फ्लावर आर फ्यूज्ड टू फॉर्म वन ग्रुप, तो हम उसको बोलेंगे मोनो एडल्फस कंडीशन. ये बच्चे मैंने आपको दिखाई थी किसमें, हिबिस्कस में, शू फ्लावर में. फॉर एग्जाम्पल फैमिली मालवेसी, शू फ्लावर, ठीक है. हिबिस्कस भी लिख सकते हो, कॉटन होगी, लेडी फिंगर हो गया, सब में मोनो एडल्फस कंडीशन होगी. डाई एडल्फस, डाई एडल्फस हो गया वो दो ग्रुप से बना रहे. ऑल द फिलामेंट, जैसे किसी में 10 हो स्टेमन्स, तो मे बी वो 5 और 5 जुड़ जाए, मे बी 4 और 6 जुड़ जाए, मे बी 8 और 2 जुड़ जाए, मे बी 9 एक साइड हो जाए, एक अलग हो जाए, तो वो दो ग्रुप्स बना रहे हैं सारे के सारे स्टेमन्स मिलके. तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, डाई एडल्फस. ऑल द फिलामेंट्स ऑफ अ फ्लावर आर फ्यूज्ड टू फॉर्म टू ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल फैमिली, कौन सी फैमिली, फेबेसी. फॉर एग्जाम्पल फैमिली फेबेसी, पी फैमिली, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाई एडल्फस. पी फैमिली में 9+1 होते हैं, दैट इज दो ग्रुप्स बन गए उसमें, ठीक है. ये नहीं कि 9 ग्रुप्स और एक ग्रुप बने, एक ग्रुप में 9 एंथस स्टेमन्स फ्यूज होते हैं और एक में अकेला रहता है, तो टोटल 10 होते हैं उनके पास. देन पॉली एडल्फस, पॉली मतलब मैनी. इफ कि 15 स्टेमन्स है, 15 स्टेमन्स 5 5 5 तीन ग्रुप्स बना लिए, मतलब दो से ज्यादा ग्रुप्स बन जाए, है ना. या 12 स्टेमन्स है, 4 4 4 के ग्रुप्स बन जाए, या 16 स्टेमन्स है ना, या 12 स्टेमन्स है, 3 3 3 3 4 ग्रुप्स बना लें. तो ऑल द फिलामेंट्स, all the filaments of a flower are fused to form more than two groups.
अगर वो दो से ज्यादा ग्रुप बना रहे हैं तो पॉली एडल्फस कंडीशन हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कौन सी, सिट्रस, नींबू के अंदर ऐसी कंडीशन है जो वो प्रेजेंट होती है. तो ये बच्चे हमने क्या क्या चीज यूज है, दैट इज फिलामेंट्स यूज है बट एंथरलोब्स क्या है, फ्री है, तो उसको हमने एडल्फस कंडीशन बोला. अब दूसरी कंडीशन आ गई हमारे पास, दैट इज कि ऑल द एंथरलोब्स आर फ्यूज्ड, ऑल द एंथरलोब्स आर फ्यूज्ड, फिलामेंट्स क्या है, फ्री, फिलामेंट्स आर फ्री ना. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनजेनिशियस, सिनजेनिशियस. एग्जाम्पल क्या है इसकी, फॉर एग्जाम्पल फैमिली कुकर, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, सनफ्लावर कैसे होता है, सनफ्लावर में देखो एक एंथरलोब, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सारी एंथरलोब्स हो गई और ये सारे उसके क्या हो गए, फिलामेंट्स हो गए. तो फिलामेंट्स सबके क्या है, फ्री हैं, और एंथरलोब्स क्या है, फ्यूज्ड है. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनजेनिशियस, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर. अब दोनों चीजें फ्यूज हो सकती है, तो अगर बोथ दोनों एंथरलोब्स भी फ्यूज है, एंथरलोब्स के साथ फिलामेंट्स फ्यूज है, फिलामेंट्स के साथ, तो हम बोलेंगे सिन एंड्रस, दैट इज बोथ एंथरलोब्स एंड फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड, तो वो सिन एंड्रस कंडीशन हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल फैमिली कुकरबिटेसी, कुकरबिटेसी याद है कौन सी थी, घिया, तोरी, मेलन, वाटरमेलन, ये कुकरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स है. तो फॉर एग्जाम्पल हो गया कुकरबिटेसी फैमिली में दोनों चीजें ही फ्यूज्ड हो जाएंगी. ठीक है, तो ये हो गया दैट इज स्टेमन्स के बारे में. अब स्टेमन्स है ना जो बच्चे फ्लावर के अंदर, जैसे ये हम बना दें कि ये पेटल्स है उसकी, ठीक है, ये पेटल्स है, तो स्टेमन्स जो है मे बी ये जो भी उन्होंने दैट इज पेटल्स ने फ्यूज होके जो भी ट्यूब वगैरह बनाई है, मे बी ट्यूब के अंदर ही हो. अगर वो ट्यूब के अंदर है तो हम इसको बोलेंगे इंसर्टेड, और अगर वो ट्यूब से बाहर निकल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्सर्टेड कंडीशन. ठीक है, इंसर्टेड कंडीशन हो गया एंड एक्सर्टेड कंडीशन हो गया. अब नेक्स्ट है जो हमें फिक्सेशन कहां पे है इसकी, एंथर, तो जो फिक्सेशन है दैट इज फिलामेंट है जो एंथरलोब के कहां लगा हुआ है, सिर्फ टर्म्स याद करनी है, बाकी एग्जांपल्स वगैरह इसमें याद नहीं करनी. जैसे ये दो एंथरलोब्स हैं, तो अगर बच्चे फिलामेंट बिल्कुल नीचे ही लगा हुआ है इसके, तो हम उसको बोलते हैं बेसी फिक्स्ड, बेस पे फिक्स है तो बेसी फिक्स्ड हो गया. अगर ये जो फिलामेंट है ये बच्चे है ऐसे, जैसे ये फिलामेंट हो गया, ये इसके कनेक्टिव में से निकल के ऊपर आ गया ये सारा, है ना, कि जो फिलामेंट है इट रन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथरलोब्स, तो हम इसको बोलते हैं एडनेट. और अगर जो फिलामेंट है वो इसकी बैक साइड पे, एंथरलोब्स की बैक साइड पे लगा हुआ है लाइक दिस, तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सी फिक्स्ड. और अगर एंथरलोब्स है जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, एंथरलोब्स बड़ी हैं और फिलामेंट उसके सेंटर में जुड़ा हुआ है, सो दैट कि एंथरलोब्स हैं दे कैन स्विंग फ्रीली ऑन द फिलामेंट, तो हम इसको बोलते हैं वर्सेटाइल एंथर्स. तो वर्सेटाइल कंडीशन है जो वो हम प्लस टू में भी करेंगे. तो वर्सेटाइल में जैसे वो होता है ना सीसा, है ना, कि सेंटर में वो लगा हुआ है जुड़ा हुआ और इधर इधर दोनों, तो ये हल्की सी भी हवा चलती है तो ये स्विंग करते हैं विद एयर एंड इनकी पॉलिनेशन हो जाती है विद एयर, एनिमोफिलस होते हैं ये. तो वर्सेटाइल एंथर्स हैं जो ये फैमिली ग्रैमिनी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रैमिनी फैमिली के मेंबर हो गए हमारे ग्रासेस है, देन वीट है, राइस है, इनमें वर्सेटाइल एंथर्स है जो वो प्रेजेंट होते हैं. और जो हम कर चुके ऑलरेडी की ये जो एंथोजेन के अंदर होते हैं क्या चीज, पोलन सैक्स होते हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस होते हैं, यहां से ये ब्रेक करते हैं एंड दे रिलीज द
पॉलन ग्रेन्स। तो ये हो गया ऑल अबाउट द एंड्रोशियम। अब नेक्स्ट लास्ट पर्ल हमने करनी है, कौन सी? गाइनोशियम। तो गाइनोशियम है जो इनर मोस्ट वर्ल हो गई, लास्ट वर्ल हो गई, इनर मोस्ट वर्ल हो गई एंड सेकंड वर्ल हो गई किसकी? एसेंशियल। सेकंड एसेंशियल वर्ल है। इसका जो इंडिविजुअल मेंबर है ना बेटा, उसको इंडिविजुअल मेंबर को हम बोलते हैं क्या? इंडिविजुअल मेंबर इज नोन एज कार्पल, या इसको हम बोलते हैं पिस्टल। इंडिविजुअल मेंबर इज नोन एज कार्पल और पिस्टल। और एक कार्पल या पिस्टल के तीन पार्ट्स कौन कौन से पता ही आपको? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा है वो स्टिकी होता है नेचर में, एंड क्यों होता है स्टिकी? टू कैच द पॉलन ग्रेन्स। और जो स्टाइल है वो रेज करेगा स्टिग्मा को, रेजेस द स्टिग्मा सो दैट इट कैन कैच द पॉलन ग्रेन्स। मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट है ओवरी। तो ओवरी है ना जो बच्चे, दैट इज कि ओवरी मे बी फ्री मे बी फ्यूज्ड। अगर जैसे फ्री का मतलब क्या है कि अगर किसी फ्लावर में सपोज 10 कार्पल्स है, दैट इज 10 स्टाइल 10 स्टिग्मा, उसके अंदर 10 ही ओवरीज हो, तो इसका मतलब कार्पल्स क्या है? फ्री है। ठीक है, तो जो ओवरी है या कार्पल, यहाँ पे हम कार्पल लिखते हैं, ओवरी या कार्पल्स मे बी फ्री मे बी फ्यूज्ड। अगर वो कार्पल्स फ्री है, अगर वो कार्पल्स क्या है? फ्री है। इफ द कार्पल्स आर फ्री तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। ये कंडीशन एपोकार्पस कंडीशन वाली काफी प्रिमिटिव कंडीशन है और बहुत प्रिमिटिव जो प्लांट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये होगी रोज में एंड लोटस में। रोज है, लोटस है ना, एंड स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, उसमें भी ये कंडीशन प्रेजेंट होती है। और अगर वो फ्यूज्ड है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस। सिनकार्पस, तो अब जब सिनकार्पस कंडीशन मतलब फ्यूज्ड कार्पल्स है, तो अगर एक फ्लावर के पास सपोज 10 कार्पल्स है तो बच्चे उसमें हमें जो है दैट इज नीचे एक ही ओवरी दिखनी चाहिए। जो फ्यूजन है वो ओवरीज के रीजन में होना जरूरी है। स्टाइल्स या स्टिग्मा में भी फ्री, तो हो सकता है हमें 10 स्टिग्मा दिखे, 10 स्टाइल दिखे, बट ओवरी एक ही दिखे। हो सकता है हमें एक ही स्टिग्मा, एक ही स्टाइल, एक ही ओवरी दिखे, है ना। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सिनकार्पस कंडीशन बोलेंगे। फ्यूज्ड है कार्पस तो सिनकार्पस। अब अगर जैसे मैंने बोला कि उसके पास सपोज 3 स्टिग्मा, 3 स्टाइल, 3 ओवरी थे, बट वो फ्यूज होके एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी बन गए, तो हमें क्या पता कि वो एक ही हो? मे बी उसके अंदर कार्पल ही एक हो। हम कैसे बोल सकते हैं कि उसके अंदर 3 कार्पल्स हैं? तो जनरली अगर आप 3 स्टिग्मा स्टाइल वाले देखोगे ना बेटे फ्लावर, उसके अंदर जो स्टिग्मा है ना वो आपको ऐसे दिखेगा, ट्राइलोब्ड स्टिग्मा, स्टाइल का कुछ नहीं होता। और नीचे जब ओवरी है ना बेटे, ओवरी हमें एक ही दिखेगी। ठीक है, तो जितनी लोग स्टिग्मा की होंगी इसका मतलब उसके अंदर उतने ही स्टिग्मा, उतने ही कार्पल्स क्या है? फ्यूज्ड है। अब जब सिन कार्पस कंडीशन आ गई, तो सिन कार्पस कंडीशन में सिन कार्पस, ठीक है, अगर बच्चे एक ही कार्पल है, ओनली वन कार्पल, तो ओवरी को हम बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी है तो कोई सिनकार्पस एपोकार्पस का कोई चक्कर ही नहीं है, एंड मोनोकार्पिलरी ओवरी होती है फैमिली फैबेसी, बी फैमिली के अंदर मोनोकार्पिलरी कंडीशन होती है। अगर उसके पास दो कार्पल्स है, टू कार्पल्स, तो हम बोलेंगे बाईकार्पिलरी। अगर तीन कार्पल्स है, थ्री कार्पल्स, तो बोलेंगे ट्राईकार्पिलरी। अगर जैसे ट्राईकार्पिलरी ओवरी है जो वो हम करेंगे, बाईकार्पिलरी ओवरी है जो वो हम करेंगे फैमिली सोलेनिस।
बाइकार्पुलरी टू मल्टीकार्पुलरी ओवरी होती है फैमिली सोलेनेसी में। ट्राइकार्पुलरी ओवरी हम करेंगे किसमें, फैमिली लिलिएसी में, ठीक है। और अगर वो है 5 कार्पल्स उसके अंदर फ्यूज्ड है, 5 कार्पल्स दे आर फ्यूज्ड, तो हम बोलेंगे पेंटाकार्पिलरी, पेंटाकार्पिलरी। अब बच्चे जो ओवरी है ना, इसके अंदर क्या होता है, इनसाइड ओवरी देयर आर प्रेजेंट चैम्बर्स, ये जो चैम्बर्स है इनको हम बोलते हैं लॉक्यूली, या हम बोलते हैं इनको ओवेरियन चैम्बर्स, लॉक्यूली या ओवेरियन चैम्बर्स। तो ये जो लॉक्यूली है, मे बी एक ओवरी के अंदर एक ही लॉक्यूली हो, ओनली वन लॉक्यूली पर ओवरी, तो हम बोलेंगे यूनिलॉक्युलर। दो चैम्बर्स हो, 2 लॉक्युलाई तो बाई लॉक्युलर, 3 चैम्बर्स हो, 3 लॉक्युली ट्राई लॉक्युलर, ठीक है। ऐसे ही 5 लॉक्युलाई हूं, 5 लॉक्युलाई हूं, तो हम बोलेंगे पेंटा लॉक्युलर। अब बच्चे देखो, अगर मैं बोलती हूँ आपको दैट इज कि सपोज हम बोलें कि कोई जो फ्लावर है इसके पास 5 कार्पल्स है, अ फ्लावर इज हैविंग 5 कार्पल्स फ्यूज्ड, ठीक है, एंड इट इज हैविंग 5 चैम्बर्स, तो हम 5 कार्पल्स के लिए टर्म क्या यूज करेंगे, यस पेंटा कार्पिलरी। फ्यूज्ड के लिए सिन कार्पस, एंड 5 चैम्बर्स के लिए पेंटा लॉक्युलर, पेंटा लॉक्युलर ओवरी, ठीक है। अगर वो 5 कार्पल्स फ्री हो तो हम बोलेंगे पेंटा कार्पिलरी एपो कार्पस कंडीशन, ठीक है। 5 कार्पल्स एंड दे आर फ्री तो हम लिखेंगे पेंटा कार्पिलरी एपो कार्पस, ठीक है। अब जो बच्चे सिन कार्पस कंडीशन आप सबने देखी होगी, हम आजकल भिंडी काटते हैं सब्जी में, तो देखा होगा आपने जब हम भिंडी काटते हैं ना बेटे, उसके यहाँ पे ऐसे रिचेज होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 रिजेस का मतलब है उसके अंदर 5 कार्पल्स क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए। अब ये जो रिजेस हैं ये ऐसे डीप चले जाते हैं और उसके अंदर क्या बना देते हैं, चैम्बर्स, 1 2 3 4 5, जितने चैम्बर्स है इसका मतलब उतने ही उसके अंदर ओवरीज हैं जो वो फ्यूज हुई हुई है। तो ये सेकंड निशानी है, अगर आपने बाहर से देखना है तो स्टिग्मा कितने लोब्ड है उससे देख लोगे, 5 स्टिग्मा की लोब दिखेंगे, इसका मतलब वो पेंटाकार्पिलरी, ठीक है। नीचे जब ओवरी का सेक्शन काटोगे तो उसमें ये लोब्स दिखेंगी, जितनी लोब्स हैं इसका मतलब उतने ओवरीज उसमें फ्यूज हुई हुई है। और ये सेंटर में उसके क्या होता है, पेरिकाइमेटस कुशन होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और इसके अंदर भिंडी के अंदर आपने ऐसे करके सीड्स देखे होंगे, है ना, तो ये क्या होते हैं, दीज आर ओव्यूल्स, दीज आर ओव्यूल्स। तो बच्चे जो ओवरी है ना, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इनटू फ्रूट। और जो ओव्यूल्स है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू सीड्स। तो हम बोल सकते हैं फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी है ना, फर्टिलाइज्ड ओवरी है, तो फ्रूट है जो दैट इज फर्टिलाइज्ड ओवरी। अब ये जो मैंने सेंटर में दिखाया ना बेटे आपको प्लेसेंटा, तो ये प्लेसेंटा जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर की हर जो है उसका दैट इज कार्पल उसके सेंटर में ही प्रेजेंट हो, तो ये कहीं और भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन द ओवरी, कहां पे वो एक अलग टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे, इन द ओवरी उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अब जैसे हमने कहा था कि स्टराइल स्टेमन होते हैं, ऐसे स्टराइल कार्पल भी हो सकते हैं। तो अगर कार्पल है जो वो स्टराइल हो गया, स्टराइल कार्पल मतलब
कि उसके अंदर ओव्यूल ही नहीं है या अनफर्टिलाइज ओव्यूल प्रेजेंट है, वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता, तो दैट इज स्टराइल कार्पल, उसको हम बोलते हैं पिस्टी लोड। जैसे वो स्टेमी नोड था, ये हो जाता है पिस्टी लोड। ठीक है, तो ये हो गया, दैट इज कि अगर ओवरी है जो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई और ओवरी वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बन जाती है फ्रूट वॉल, उस फ्रूट वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प, और ओव्यूल्स है जो वो कन्वर्ट हो गए टू सीड्स, और प्लेसेंटा का अरेंजमेंट है इनसाइड ओवरी, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेसेंटेशन।